हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप भी देख रहे हैं वेटनरी में प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं अपने इंडिया में एडमिशन लेने के लिए, तो आप सही वीडियो पे आए। आपको बता दूं कि सबसे पहले जो प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में जो अवेलेबल है, तो उसमें से काफ़ी सारे जो राजस्थान में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 5 प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस है अपने इंडिया में। आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो 3 राजस्थान में जो कॉलेजेस है, और इसके अलावा एक पंजाब में कॉलेज है और एक हरियाणा में कॉलेज है, तो टोटल 5 हो गए, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो अलग अलग फीस स्ट्रक्चर भी होते हैं सबके अलग अलग, हो सकता है कि काफ़ी जगह आपको 10 से 14 लाख रुपीज़ भी देना पड़े, और काफ़ी जगह आप लोग को 3 से 4 लाख रुपए भी देना पड़े। तो 3 से 4 लाख से लेकर के 10 से 14 लाख तक भी यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है। तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आप लोग को अलग अलग वेटनरी कॉलेज में अलग अलग फ़ीस होती है। तो सबसे पहले आपको बता दिया मैंने कि 3 जो कॉलेज है वो राजस्थान में है, और एक जो कॉलेज है पंजाब में है, और जो एक है वो हरियाणा में है। आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि राजस्थान में जो कॉलेज है वो अपोलो वेटनरी कॉलेज है, और दूसरा जो कॉलेज है वो अरावली कॉलेज है, और तीसरा जो MFJ कॉलेज है। तो ये 3 कॉलेज जो है आपके राजस्थान में है। पंजाब में खालसा कॉलेज है, हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन है। तो ये जो आपको टोटल 5 कॉलेज देखने मिलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन 215% सीट्स थ्रू नीट एज इन ऑल इंडिया कोटा। आपको यहाँ पर 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा मतलब नीट के थ्रू वहाँ पर फिल कर दी जाती है, और वहाँ पर जो है आपको फिर जो 50% सीट्स द टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। और वहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अपना अपना अलग अलग, तो वहाँ पर आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। और काफ़ी जगह अभी आप देखेंगे कि मैनेजमेंट की सीट्स भी बढ़ चुकी है, तो आपको एक तरीके से पता करना है कि आपका जो आसपास में जो कॉलेज यहाँ पर पढ़ रहा है वहाँ पर किस तरीके से एडमिशन हो रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पर जो अपोलो जो कॉलेज है राजस्थान का, वो वन ऑफ द टॉप कॉलेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट सीट देने वाले जो वेटनरी कॉलेज है वो अरावली कॉलेज जो राजस्थान का है, वहाँ पर आपको बिल्कुल मैनेजमेंट सीट देखने मिल जाएगी, बट वहाँ पर जो फीस है वो 6 से 8 लाख आपको देखने मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली जो फीस है वो आपको 6 से 8 लाख देखने मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि द टू कॉलेजेस हैज़ द सेम पैटर्न, बट आई थिंक द एप्लीकेशन दैट हैव बिन क्लोज, बट डू द रिसर्च। आपको हरियाणा और जो पंजाब के जो कॉलेज है वहाँ पर भी आपको एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी आपके खुद के लेवल पर, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि जो ये जो इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो ऑनलाइन ही आते, बट ऑफलाइन जो है अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग को सर्च करना है। अब मैं आपको फाइनली फ़ीस बताना चाहता हूँ कि जो फीस है वो कितनी है इन कॉलेजेस में। तो जो पंजाब का जो कॉलेज है वहाँ पर जो 3 कॉलेजेस है पंजाब में, देर आर 3 कॉलेजेस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो BBSC करने के लिए जो फीस है वहाँ पर, तो गढ़वासू जो है अप्रॉक्सीमेटली जो फीस है 7.5 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली एनुअल जो फीस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7.5 लैक्स गढ़वासू में जो सीट है। लुधियाना का जो कॉलेज है बेसिकली अगर हम उनकी बात करें, तो 7.5 लैक आपको सीट जो फीस है वो देखने मिलती है पर ईयर, तो इतनी फीस आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर भी दिया हुआ कि किस तरीके से जो सीट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और कितनी क्या इसमें फ़ीस लग रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो दूसरा कॉलेज है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और टोटल जो यहाँ पर सीट्स अलॉटेड है प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में, ठीक है, VCI सीट्स 9 और मैनेजमेंट कोटा सीट्स 21%, NRI सीट्स 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने मिल रहा है कि टोटल जो प्राइवेट कॉलेज में जो सीट्स है वो 60 है, उसमें से वेटनरी यूनिवर्सिटी जो कोटा सीट्स है वो 21 है, VCI के थ्रू मतलब जो नीट के थ्रू जो भरी जानी सीट्स है वो 9 है, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 21 है, और NRI सीट्स 9 है। तो इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रखा है। इसके अलावा आपको बता दूं जो हरियाणा का जो कॉलेज है, मैंने आपको बताया था ना हरियाणा में भी कॉलेज है, तो वहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हरियाणा में 34 जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है, 6 NRI की सीट्स है, और 12 जो है ऑल इंडिया कोटा की सीट है। तो ऑल इंडिया कोटा की सीट जो नीट के थ्रू जो स्टूडेंट आएंगे वो भर देंगे, बट ये जो सीट्स है जो NRI कोटा की सीट है और 34 मैनेजमेंट सीट्स है, इसमें आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो एनुअल फीस ये बता रहे हैं, वन टाइम सिक्योरिटी फ़ी विल बी पेड, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो इतनी है 1,87,000, और जो एनुअल फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 38,000 है, बट यहाँ पर आपको जो ट्यूशन फ़ीस चार्ज करी जा रही है दैट इज़ 4,44,000 फॉर द 4.5 ईयर्स, मतलब आपको हर साल इतनी फ़ीस देनी है 4,42,000, तो आपको इतनी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली देनी पड़ेगी। और जो हॉस्टल का जो फ़ीस है वो 1,10,000 है,
तो आपको यहाँ पर इतना मतलब अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट लेके चलना है, तो आपको जो टोटल हो जाता है 5,91,000 एनुअली अगर आप हॉस्टल भी इंक्लूड करेंगे तो इतना आपको हरियाणा में लगेगा, ठीक है। हरियाणा का जो कॉलेज है उसकी इतनी फ़ीस है। तो मैंने आपको गढ़वासू बता दिया, हरियाणा हरियाणा का बता दिया मैंने आपको, तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाता है। इसके अलावा मैं आपको राजस्थान का भी जो कॉलेज है उसका भी बता देता हूँ। जो राजस्थान का जो अरावली कॉलेज है उसकी जो फ़ीस है, फ़ीस इज़ 6 लाख एनुअली, वहाँ पर जो 6 लाख रुपये एनुअली फ़ीस है। और आपको देखने मिलता है कि जो हॉस्टल से उसकी अलग से फ़ीस लगती है, 35,000 अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो, और 75,000 अगर आप एसी हॉस्टल में रहते हैं तो ये जो है आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। 50,000 आप जो है कॉशन मनी दे सकते हैं। सो ये आपको एक तरीके से आइडिया पड़ जाता है कि अरावली कॉलेज में 6 लाख फ़ीस आपको देखने मिलती है राजस्थान के, ठीक है। और यहाँ पर जो सीट्स है वो आपको देखने मिलती है, 12 जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है, मतलब नीट के थ्रू, और जो 40 सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको बिल्कुल भरी जाती है, ठीक है आपको। बट आपको इसमें क्या है, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स सबके आ जाते हैं, 100-150 मार्क्स सबके आ जाते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो फिर आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते, बट अगर आपके 100-200 मार्क्स है तो आप बिल्कुल कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। आपका पास इतना पैसा होना चाहिए बस, आप फिर कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MFJ जो कॉलेज है, MFJ कॉलेज जो है यहाँ पर राजस्थान का एक जो मैंने कॉलेज बताया था आपको, वहाँ पर 50% सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भरी जाती है। इसका जो है जो अब इसकी सीट्स का देखेंगे तो सीट्स 50% आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है, बट जो इसकी फ़ीस डिटेल है ये कहीं भी मैंशनड अभी तक नहीं है, तो आपको ये देख लेना एक बार, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाए प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर एक बार उसका अफिलिएशन चेक कर ले कि वो जेन्युइन कॉलेज है या नहीं है। VCI की जो लिस्ट दी जाती है एक जेन्युइन कॉलेजेस की, वो लिस्ट में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो फेक कॉलेज हो और आपका पूरा पैसा भी वहाँ पर बर्बाद हो जाए, तो वो अपने वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो साइट है वहाँ पर पूरी लिस्ट अवेलेबल है, जो भी टॉप कॉलेजेस है या फिर जो भी अपनी जो वेटनरी के कॉलेजेस है उसकी लिस्ट अवेलेबल है, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस है। पता चला कि आपने पास साल की डिग्री कर ली और फिर आप जो डॉक्टर बन रहे, तो फिर आपका कोई भी वैलिडेशन ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई होप सो कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो। मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है कि किस तरीके से आपको कितने कॉलेजेस देखने मिलते हैं और कितने कॉलेज में कितनी फ़ीस है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।